92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान ऋचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आपको याद है ना, पिछले हफ्ते हमने बात की थी दिवाली के त्योहार पर अपने घरों को जगमग करने के साथ साथ किसी और की जिंदगी को रोशन करने की। मैंने आपसे बात की थी अपने जमाने की जानी मानी नृत्यांगना तारा बाला गोपाल जी के बारे में। साथ ही हम सब ने मिलकर 4 साल की छोटी बच्ची, जिसे हमने नाम दिया है छोटी निर्भया, उसकी पढ़ाई के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे। साथ ही मैंने आपको कहानी सुनाई थी 4 साल के ही छोटे बच्चे हर्ष की, जो कैंसर से जूझ रहा है और हर्ष के पिता शिवम, जो कि एक कैब ड्राइवर हैं, उनके पास हर्ष के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में आगे आए और उन्होंने हर्ष की मदद का फैसला किया। आज भी मैं आपको 2 ऐसे लोगों की कहानी सुनाऊंगी जिनकी कहानी सुनकर तो हर भारतवासी को फक्र महसूस होगा, लेकिन उनके साथ किस तरह का बर्ताव हमने किया है ये सोचकर थोड़ी शर्मिंदगी भी होगी। क्या किसी तरह से हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं, ये आज हमें मिलकर सोचना होगा। तो आज दिल्ली मेरी जान में अब से कुछ ही देर में आप जरूर जरूर सुनिए मेरे साथ नीतू और धर्मवीर की कहानी। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। वेरी गुड मॉर्निंग और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालकर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग जिंदगी की राह पर मिलेंगे जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, और अगर उन्हें हमारा थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच भी सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और आज आपको सुना रही हूं 2 ऐसे ही लोगों की कहानी जिनमें काबिलियत है, जो बहुत कुछ करने का सपना देखते हैं, बस उन्हें हमारे थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। सोचिए उस लड़की के बारे में जिसकी इतनी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जब बच्चियां सिर्फ खेल खिलौने और पढ़ाई के बारे में ही सोचती हैं। वो लड़की जैसे तैसे उस शादी से बाहर निकलती है, लेकिन उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है और 14 साल की उम्र में ही वो माँ बन जाती है। लेकिन ये लड़की ऐसी परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती और कुश्ती लड़ने के अपने शौक को जिंदा रखती है, बरकरार रखती है और उसके लिए मेहनत भी करती है। जानना चाहते हैं नीतू के बारे में, आइए उससे बात करते हैं। नीतू नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ठीक मैम, नमस्ते। नीतू, सबसे पहले तो आप हम सब दिल्ली वालों को ये बताएं कि जो रेसलिंग आप करती हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और अब तक आप हमारे देश के लिए कितने मेडल जीत चुकी हैं? खेलने का तो ये ऐसा था, बचपन से ही था कि मैं खेलूं। पर 2010 जब कॉन्वेंट दिल्ली में हुए थे, लड़कियों की बाउट मैंने टीवी पे देखी थी। ये देखने के बाद सुबह 3 बजे उठ के रनिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी, अपना वजन सेट किया। फिर किसी कोच का नंबर मिला मेरे को कहीं से, कोच से बात करके मैंने उनसे पूछा, बताया अपने बारे में, उन्होंने मेरे को स्टडी में बुलाया, गेम शुरू कर दिया। 2014 में सबसे पहला मेडल मेरा गोंडा आया था नेशनल सीनियर में, और दूसरा मेडल 2015 में नेशनल केरला गेम में, और 2015 रांची झारखंड जूनियर नेशनल में, और अभी 3 महीने पहले मैं जूनियर वर्ल्ड खेल के आई हूँ ब्राजील पार्टिसिपेट। नंबर में जो सीनियर नेशनल होने वाले हैं इसकी तैयारी कर रही हूँ मैं फिलहाल तो, और मेरा टारगेट जो मैन है वो है 2020 ओलंपिक। भाई वाह नीतू, बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आपने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया है 2020 के ओलंपिक्स। लेकिन मैं जानती हूँ बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं आपके रास्ते में, ऐसे में किन किन चीजों की आपको इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है? मेरे को अच्छी डाइट, जो एक अच्छे पहलवान को एक अच्छी डाइट मिलती है जिस हिसाब से मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, इस हिसाब से मेरे को डाइट मिलती है तो मेरे को विश्वास है मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वो डाइट नहीं ले पाती जो लेनी चाहिए। और फिर आने जाने का खर्चा, क्योंकि मेरा गांव रोहतक से, मेरा गांव 55 किलोमीटर है, तो रोज 100 रुपए किराया हो जाता है। ये कॉस्ट्यूम और जो मैट्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। मेरे तो हमेशा ही दोनों चीजें फटी रहती है, मैं सिलाई कर करके काम चलाती हूँ उनसे। नहीं तो कभी आपको बुरा लगता है कि इस देश में जहाँ क्रिकेटर्स हमारे करोड़पति होते हैं, वहीं आप जैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है? हाँ, इस बात से तकलीफ नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एक मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो सिर्फ एक पैसे के कारण पीछे रह जाते हैं। तो नहीं तो आज हमारे दिल्ली के दिलवालों से आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं मतलब इतना कुछ झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं नहीं चाहती कि पैसों की वजह से मैं पीछे रह जाऊँ। अगर मेरी कोई मदद करता है, मैं उसकी मदद का ना ज्यादा फायदा नहीं उठाऊंगी बिल्कुल भी। मैं सब कुछ अपनी रेसलिंग पे अपने ऊपर ही लगाऊंगी,
मेरे को इतना ही बोलना था। वाकई अगर हम लोग किसी भी तरह से नीतू की मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने ओलंपिक्स के टारगेट को पूरा कर पाए, तो मुझे लगता है हम ये मदद करके अपनी दिवाली को और सार्थक बना सकते हैं। अगर नीतू की कोई मदद आप करना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए 3992792739927927 हमारा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। ये है दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में पिछले हफ्ते भी और आज भी हम बात कर रहे हैं इस दिवाली किसी की जिंदगी को रोशन करने की। और आज मैं बात कर रही हूँ दो ऐसे खिलाड़ियों से जिनमें काबिलियत भी है और जिनके पास सपने भी हैं, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पा रहे क्योंकि बहुत सारी चीजों की कमी है उनकी जिंदगी में। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं 100-200 मीटर्स के एथलीट धर्मवीर, जो कि हरियाणा में रहते हैं। धर्मवीर जी नमस्कार। सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप हमारे 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। रिचा जी मेरे आपको नमस्कार। मैंने नेशनल रिकॉर्ड अभी नया बनाया है और इंटरनेशनल लेवल पे 6-7 कॉम्पिटिशन, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, एशियन इंडोर गेम्स है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, और अभी एशियन चैंपियनशिप में मैंने मिल्खा सिंह का और अपना अनिल कुमार जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया 200 मीटर में। अरे वाह धर्मवीर जी, तो अब आगे क्या टारगेट है आपके? मेरा अभी तो टारगेट रहेगा ओलंपिक क्वालिफाई का। जैसे भी जो भी कॉम्पिटिशन आते हैं तो मैं चाहूंगा कि अपना फर्स्ट इसमें अपना ओलंपिक क्वालिफाई करूँ। जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको या कमियों का सामना करना पड़ता है? अभी तो कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, जैसे गेम स्टार्ट किया था वही, ना तो अच्छी हमारे पास डाइट है, ना ही कोई अच्छा सप्लीमेंट है। 2 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें किसी की इतनी रिकवरी हो पाती, और परफॉर्मेंस तो बस आ रही है तो अपना थोड़ा सा दूध घी खा रहे हैं, तो बस और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तो। और ना ही हमारे पास इतने कोई फिजियो है, ना ही मसाजर है, बस एक दूसरे की मदद से ही थोड़ा बहुत हो पा रहा है। आपने कभी किसी स्पॉन्सर से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? स्पॉन्सर तक मैं पहुंचने की कोशिश की, एक दूसरे बात भी हुई, लेकिन कोई नहीं आया। और अगर कोई दूसरी कंपनी मेरे को स्पॉन्सर करना चाहती तो प्लीज मेरी मदद करने की कोशिश करें। 2-3 महीने के बाद अगर मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलती है तो फिर उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना अभी मेरे को चाहिए। तो अभी तक तो धर्मवीर जी को कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली अगर आज आपको लगता है कि आप में से कोई भी धर्मवीर जी की मदद कर सकता है, उनको स्पॉन्सर कर सकता है, तो हमें कॉल लगाइए 3992797 हमारा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, दिल्ली दिल खोलकर किसी एक की मदद कीजिए इस दिवाली। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। एक खास नाता तो मेरा आप लोगों से भी है, तभी हर सुबह आती हूँ आपसे मुलाकात करने। अब आपका दिल लुभा पाती हूँ या नहीं ये मैं नहीं जानती। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में मैंने आपको कहानी सुनाई दो खिलाड़ियों की, नीतू जो कि एक रेसलर हैं और धर्मवीर जो कि एक एथलीट हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और जैसी सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही हैं। क्यों होता है हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा और कैसे हम इनकी मदद कर सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रेसलर, ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार। सुशील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा। सुशील जी हमने आपको नीतू और धर्मवीर की कहानी सुनाई, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे जब पता लगा कि धर्मवीर और नीतू जो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और एक ने एशिया में 200 मीटर में उसने अच्छा किया है और नीतू ने वर्ल्ड में भी अच्छा किया है, तो मेरे को जब से पता लगा है और मेरी टीम को जब से पता लगा है सुशील फॉर स्पोर्ट्स में, वो भी बहुत इसमें ये था कि हम भी मदद करें इनकी। जी सुशील फॉर स्पोर्ट्स आपने ये बोला, ये क्या है, इसमें क्या काम करते हैं आप लोग? सुशील फॉर स्पोर्ट्स इसीलिए हमने बनाया कि जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनको जरूरत है, जैसे अब धर्मवीर और नीतू है, इस तरीके के खिलाड़ियों को हम सपोर्ट करें, और जो हमारे ये मानो जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं लोग उनको हम सपोर्ट करेंगे। और जो हमारा आप देखोगे स्कूल नेशनल से बच्चे को कोई पिकअप नहीं करता है, जो स्कूलों में बच्चे खेलते हैं, जो एक मानो कि हमारा जो बेस होता है वहां से कोई पिकअप नहीं करता, तो सुशील फॉर स्पोर्ट्स वहां से भी पिकअप करेगा बच्चों को और उसमें उनको ओलंपिक की पूरी ट्रेनिंग के लिए पूरा सपोर्ट करेगा। सुशील जी 92.7 बिग एफएम और दिल्ली मेरी जान में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की मदद इस दिवाली नीतू और धर्मवीर को जरूर मिले हम दिल्ली वालों की तरफ से। बिग एफएम की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा काम वो सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, और दिवाली पे खासकर सभी लोगों के लिए आप लोग कर रहे हो कि जिन लोगों को जरूरत है कि उनके घर में भी उजाला हो, और उसके लिए आप
इतना एफर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। 92.7 बिग एफएम को सुनने वाले सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि जिसको भी स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो suhana4sports.com हमारी एक वेबसाइट है उस पे जाके या हमारे फेसबुक के पेज पे जाके वो जानकारी ले सकता है और हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो भी समस्याएं होंगी या उसको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील कुमार जी दिल्ली मेरी जान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप लोग भी नीतू और धर्मवीर की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे कॉल लगाइए 3992797 मेरा नंबर है। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और बहुत मजा आता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के कॉल्स आते हैं किसी की मदद करने के लिए। मैंने आज आपको नीतू और धर्मवीर दो खिलाड़ियों की कहानी सुनाई थी, बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं इन लोगों को मदद ऑफर करने के लिए। कुछ कॉल्स आपको सुनवा देती हूँ। नीतू, मेरा नाम पीयूष है और सारे देशवासियों को आप पे बहुत ज्यादा गर्व है। ये जानकर बहुत तकलीफ होती है कि आप जैसे जितने लायक लोग हैं उनको इस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा मैं आपको एक छोटा सा योगदान करना चाहूंगा। जो आपकी बस किराया है प्रति माह आपका जो 3,000 रुपए लगता है, वो एक साल तक मेरे से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग रीचा जी, मैं मनवीर रहूजा बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपका मैसेज सुना 92.7 एफएम पर। मैं चाहता हूँ कि मैं धर्मवीर जी की कुछ सहायता कर पाऊँ और चाहता हूँ कि दिवाली के आसपास या दिवाली पे ही मैं उनको स्पॉन्सर कर पाऊँ। आप इसमें मेरी कृपया हेल्प कीजिए। मैं अभिषेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरा नीतू के लिए मैसेज है कि वो अपनी तैयारी पूरा 2020 का उनका टारगेट है उसके लिए पूरी करें। मैं इस दिवाली उनकी मदद करना चाहता हूँ और मैं जैसे शगुन होता है तो इसमें इस दिवाली में उनको 1100 रुपए का शगुन देना चाहता हूँ। अरे वाह, जिस तरह से रेसलर सुशील कुमार और इतने सारे हमारे दिल्ली वाले नीतू और धर्मवीर की मदद के लिए आगे आए हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा और ये लोग जो सपना देख रहे हैं ओलंपिक्स में जाने का, उस सपने को शायद ये लोग पूरा भी कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली हमें कॉल लगाकर नीतू और धर्मवीर को हेल्प ऑफर करने के लिए। आज दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ इतना ही, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर बात करूंगी छोटी निर्भया के लिए शुरू की गई कैंपेन की, आपको बताऊंगी कि अब तक उस कैंपेन में कितनी फंड रेजिंग की जा चुकी है। मुझे दीजिए इजाजत, कुछ ही देर में सिद्धार्थ वापस लौट रहे हैं और इस हफ्ते वो बात कर रहे हैं चाइल्ड स्टार्स की, तो सबसे पहले वो शुरुआत कर रहे हैं सचिन से, जरूर सुनिएगा 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। रिचा अनिरुद्ध की तरफ से आप सबको धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।